जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सब थे कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का अगर विकास हो सकता है, उन्नति हो सकती है या सामाजिक उत्थान हो सकता है, तो उसकी सबसे बड़ी कुंजी है औद्योगिकरण। और औद्योगिक विकास बढ़ने से हम रोज़गार भी दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं और जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर भीमराव जी की इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए, हमारे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच थी कि उद्योग बढ़ेंगे तो ही राजस्थान आगे बढ़ेगा, तो ही रोज़गार मिलेंगे। अब चाइना जैसा देश जो छोटे छोटे उद्योगों के कारण ही सब जगह छाया हुआ है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, जो मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है, तो हम शायद हमारा राजस्थान हिंदुस्तान ही नहीं और भी देशों से आगे निकल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इजी डूइंग बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 जो लाने की घोषणा की है, उसके माध्यम से थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे और हैसल फ्री गुड्स ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे कि किस तरह का क्या होना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रदेश से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस प्रदेश से अगर कोई माल, कोई कुटीर उद्योग लगाए, कोई कैसा भी लगाए, अगर वो एक्सपोर्ट होता है तो उससे ज़्यादा प्रदेश के लिए और खुशी की बात नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आज भीलवाड़ा है अपने आप में छाया हुआ है, उसको और बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी जोर दिया कि उसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तथा सप्लाई चेन सिस्टम को, वेयर हाउस बनाना, ये सब चीज़ें अपने आप में अनूठा कदम है। मैं एक पिछली सरकार थी, कोई किसी के खिलाफत करना ही बड़प्पन नहीं है, पर गहलोत सरकार के अंदर मुझे भी लंबा समय हो गया, देश के भी बजट में हिस्सा लिया, डिमांड्स में हिस्सा लिया, राजस्थान में बहुत बार हिस्सा लिया। मेरे यहाँ पे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, शायद राजस्थान में उससे बड़ा कहीं नहीं होगा, कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी है, खुसखड़ा है, बहरोड है और नीमराणा है, नया एरिया और डेवलप हुआ है। पर गहलोत जी ने बहुत, सरकार ने पिछले बार एक बहुत बड़े जोर शोर से, काफ़ी शोर भी मचा कि हमने इन्वेस्टर बुलाए हैं, इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, पता नहीं राजस्थान का कितना पैसा खर्च हुआ होगा, खूब इनकी आवभगत भी हुई, 4000 शायद करोड़ के, करेक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, MOU भी हुए, पर धरातल पर एक रुपये भी नहीं लगा। मेरे यहाँ तो एक भी ऐसा ग्रुप नहीं आया जो इनके उस मीट से कोई फ़ायदा हुआ हो, जो इन्वेस्टर मीट से, कि भाई इन्वेस्टर ये कहे कि साहब हमने आके यहाँ वो किया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कोई भी सरकार
अगर वो ये जमा देती है कि हमारे यहाँ आप सुरक्षित हैं, हमारा वातावरण अच्छा है, हम आपको चारों तरफ से इसके अंदर मदद करेंगे, क्योंकि उद्योगपति देसी भाषा में बाणिया तो वहीं आएगा जब दो पैसे मिलेंगे और वो सुरक्षित रहेगा। तो उन्होंने एक दिन की सरकार की सुरक्षा नहीं थी कि पता नहीं कब क्या हो जाए। दूसरा है कि इन्होंने वो वातावरण ही तैयार नहीं किया, खाली ढिंडोरा पीट दिया कि हमने इन्वेस्टर मीट कर ली, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? तो एकदम जीरो। ये यहाँ पे आराम से अपने पिकनिक मना गए, उन्होंने देख लिया कि सरकार का कोई रंग ढंग तो है नहीं, सरकार का कोई अता पता नहीं है। और इनके ज़्यादातर उन्हीं उद्योगपतियों को गुजरात ले गया, मध्य प्रदेश ले गया। उन्हें तो इन्वेस्टमेंट तो करना था, उद्योग तो लगाने थे, पर केवल इसलिए उन्होंने गुजरात को अपने आप में सुरक्षित माना, मध्य प्रदेश को सुरक्षित माना, पर राजस्थान को सुरक्षित नहीं माना। ज़्यादातर इंडस्ट्री उजड़ गई। तो आपसे मेरा तो यही आग्रह है कि माननीय भजनलाल जी ने, मैं तो ताज्जुब करता हूँ, जितना मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे सकता हूँ उतना देना चाहिए। और निश्चित रूप से ये भी तय है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, हमारे उद्योग मंत्री जी ने, इन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्टर मीट करेंगे, लेकिन जो ये इन्वेस्टर मीट करेंगे तो ये तय है कि यहाँ पर इन्वेस्टर आएंगे और अपना इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये सरकार स्टेबल है। भारतीय जनता पार्टी, पार्डन, आप तो कहेंगे अनस्टेबल नहीं है, आपकी अनस्टेबल थी क्योंकि भानुमती अकुंबा कहीं 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 रोड़ा, तो इसलिए आपके कई मुख्यमंत्री बन गए थे, कई मुख्यमंत्री बन गए थे आपके सदस्य। पर यह कि तो फिर वो भी टोकेंगे, इसलिए परिपाटी मत बनाए। गहलोत सरकार ने, पिछली सरकार ने क्या कारण है, जब जब बीजेपी की सरकार आई यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग आए, ये माननीय विपक्ष के नेता बैठे हुए। अगर ये ईमानदारी से बात करें तो ये उसी एरिए से है जिस एरिए से मैं हूँ। जितने भी बड़े बड़े उद्योग समूह आए, जितना भी उद्योग फला फूला, वो बीजेपी की सरकार में ही फला फूला, क्योंकि उद्योगपतियों को विश्वास है कि हम सुरक्षित रहेंगे, लूट खसोट होगी नहीं। और निश्चित रूप से काम, जब हम कोई चीज़ की मांग करेंगे तो तुरंत हमारा काम पूरा होगा, क्योंकि तो रिजल्ट चाहिए। पहले राजस्थान के बारे में कहा जाता था, पिछली सरकार के बारे में मैंने भी सुना है, मुझे कहना नहीं चाहिए बात, कि राजस्थान में जाओ किसी अधिकारी से बात करो, वो कहेगा एक महीने बाद आना, मंत्री से बात करो दो महीने बाद आना, और काम करने की रुचि की बजाय उनको हरेसमेंट करते थे, उसका परिणाम ये हुआ। अब कौन ऐसा मुख्यमंत्री, मैंने तो देखा नहीं, इतने इंडस्ट्रियल एरिया देखे मेरे तो चारों तरफ है, कि कभी किसी ने, मैं ताजुब कर रहा कि 150 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखे, किसी ने आज तक तो नहीं रखे, कि हर इंडस्ट्रियल एरिया में भी सुविधाएं होनी चाहिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये भजनलाल जी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, जो कहते हैं ना धरातल से मुख्यमंत्री आए, जनता के बीच से आए, ग्रास रूट मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने एक एक चीज को जाना है, एक एक चीज को देखा है। ऐसा मुख्यमंत्री सौभाग्य से राजस्थान को मिला है जिसकी हर एक एक चीज के ऊपर अपनी सोच है, वो भी अलग हटके। तो अब आपसे मैं तो ये कहूँगा, जो आप जिस तरह का कर रहे हैं कि पचपदरा के अंदर जो आपने किया राजस्थान पेट्रो जोन, ये पहले भी हो सकता था, अभी क्यों हुआ?
पहले भी रिफाइनरी तो लग रही थी पर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। और फिर जो घोषणा की है, पहला मुख्यमंत्री है, घोषणाएं तो गहलोत जी के समय में बहुत हुई और इतनी हुई कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था कोई आदमी, सब अचंबा करते थे पर हुई बिना सोचे समझे कि इलेक्शन आ रहे हैं, बजट आप पास है नहीं, घोषणाएं आप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा बुरा हाल हो गया, ये तो अब माननीय उद्योग मंत्री जी आपको बहुत कमर कसनी पड़ेगी, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया बर्बाद कर दिए, ना जा सकते ना आ सकते, ना वहाँ पर किसी तरह के जो गंदगियों का अंबार है, जो असुरक्षा है, जिस पर किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया। अब आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, कहाँ आज तक कोई ध्यान देता है कि अलग अलग क्षेत्र में जिस जिस ज़िले के अंदर जिस जिस चीज़ों की बहुतायत है उधर ही ध्यान दे देना, ये मील का पत्थर साबित होगा। ये मुख्यमंत्री की सोच इस राजस्थान को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा कदम। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट जितना बढ़ाएंगे उतना हमारे पास डॉलर आएगा, उतना ही हमें खुशहाली मिलेगी। तो आपसे मेरा तो यही निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान अब माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में, यहाँ का उद्योग सुरक्षित है, आगे बढ़ेगा और जब उद्योग लगेंगे तो ही नौजवानों को नौकरी मिलेगी, तभी रेवेन्यू सरकार के पास आएगा। उद्योग क्यों जरूरी है? उद्योग की ज़रूरत इसलिए है कि उद्योग से जो हमें रेवेन्यू मिलती है वो बहुत बड़ी मिलती है, उसी से सरकारें चलती है, उन्हीं से विकास होता है। आज हमारे यहाँ जापानी जोन है, आपके टाइम में कई बार आपके ही विधायकों के द्वारा उस पर अटैक हुए, पर हमारे कार्यकाल में था, मैं भी मंत्री था, हमने तो कभी जाके नहीं देखा था, उन्हें पता ही नहीं था क्या कायदे कानून है। और अब मैं उद्योग मंत्री से इसके बारे में दो नाम ही दिए, हाँ आदरणीय आदरणीय जो आप एनजीटी की बात कर रहे हैं, एनजीटी वहीं पर दखल अंदाजी करती है या उसी को रोकती है जहां पॉल्यूशन की दिक्कत, एनसीआर के अंदर अब भी लग रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर पॉल्यूशन होगा तो जनता के हित में उस बात को तो रखा जाएगा। अरे माननीय सदस्य, कोई आपसे बहस थोड़ी हो रही है, गिलोट में कोई बात करनी हो तो आप माननीय मंत्री जी से कह देना, आपका जब आए माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी बोलने के लिए आते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, ऐसे बीच में अपन बैठे वहाँ क्या एनजीटी ग्रोथ है, क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। पिछली सरकार ने एनजीटी तब भी थी, पर पिछली सरकार ने वही उद्योगों को बढ़ावा दिया जहां पर एनजीटी नहीं रोक सकती थी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जिनके अंदर एनजीटी की बात कर रहे हो वो आपके क्रेशर आते हैं जो ज़्यादातर आपके यहाँ अवैध चल रहे हैं, इसलिए आपको एनजीटी याद आ रही है, क्योंकि जितना रामगढ़ के अंदर पॉल्यूशन होता उतना शायद देश में कहीं भी नहीं होता, तो इसलिए वहाँ लागू होगा। हमारे यहाँ पर एनजीटी का कोई रोक नहीं है, इस तरह के सरकार ने, पिछली सरकार ने तो मुझे पता नहीं, आप लोग ज़्यादा जाने किनको परमिशन देते नहीं देते थे, क्योंकि आपके यहाँ पर सबसे बड़ा हावी रहा दिक्कत क्या है कि माननीय गहलोत सरकार के अंदर भ्रष्टाचार और घोषणाएं हावी रही। अब उस चीज़ को आप देखना नहीं चाहते, रियलिटी कहो तो कितने बार कहो उसको सुनना नहीं चाहते। अब माननीय भजन लाल जी ने भीलवाड़ा में वस्त्र नगरी है, इसी तरह सेरेमिक बीकानेर के अंदर, पानी कोई के अंदर आपने इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब,
सोलर पैनल पाली के अंदर, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क किशनगढ़ में, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग किशनगढ़ में, अजमेर में, पर उन्होंने जो इंडस्ट्रियल एरिया भी घोषित किए वहाँ किए जो इंटीरियर में है। ये भजनलाल जी की सोच है, क्योंकि वो धरातल से गुजरे हुए हैं कि आज अगर नीमराणा में कोई इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा कर दो तो वहाँ तो सैचुरेटेड हो गया। उन्होंने वहाँ किए जहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसे कठुआ में खोला कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, इसी तरह और जगह जहाँ भी हुए। और हमारे नाम तो मैं लूँगा नहीं, पर हमारे उद्योग मंत्री पहले मानसूर की थी, उन्होंने घोषणा कर दी उस इंडस्ट्रियल एरिया का, पता ही नहीं, घोषणाओं से नहीं होता। आपने बजट नहीं रखा, आपने प्लान नहीं बनाया। अब आप जो कहते हो, अभी मैं सुबह घूमता हूँ तो हम साथ मिलकर ही घूमते हैं, मेरे साथ कांग्रेस के भी होते हैं, अपने भी होते हैं, वो कहते हैं कि ये कमाल कर दिए, ये वहाँ रही रहते हैं ना तो वो कहते हैं कि साहब मान लीजिए भजनलाल जी ने ये बजट इतना ज़बरदस्त घोषित किया है। अरे मैं बजट की बता रहा हूँ, मुझे पता डिमांड्स पे हो रही है, पर डिमांड के लायक कुछ बचा ही नहीं। एक बचा है वो स्लेट उद्योग को भी जोड़ लेते, हमारे एक है जो अपने आप में जिले में अलग है। आदरणीय बात तो कहनी पड़ेगी, पर ऐसा जिस मुख्यमंत्री ने इतना जो इसके अंदर बजट रखा है उसको पूरा करने जा रहे हैं, इससे राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान उन्नति पर जाएगा, देश विदेशों में राजस्थान का नाम होगा। हैं, मेरे कार्यकाल में शायद ऐसा राजस्थान की कोई तहसील नहीं होगी जो मेरे कार्यकाल के अंदर जहां रोजगार मेला नहीं लगाओ, पर वो आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप रोजगार का अर्थ क्या मानते हो? निम्न रोजगार ऐसा कोई भी नहीं है जिस आपके मुंडावर में भी रोजगार मेले 3 बार लगे, बहरोड में भी लगे। अब जो हमारे लोग चाहते हैं, कुछ चीजें कानून से बंधी हुई है, कोई 25,000 रुपए तो देगा नहीं, या तो आप उसके कैपेबल बनो, उतनी क्वालिफिकेशन लो। जो हमारे यहाँ आपकी सरकार थी पिछले बार, उनके कार्यकाल में भी जो वेजेस तय था वही हमारे कार्यकाल में था। अब उसमें कोई करना चाहे नहीं करना चाहे वो कोई बात नहीं कर सकते। आप उद्योगपतियों को ये तो कह सकते हो कि आप आइए हमारे यहाँ से बच्चों को रोजगार दीजिए, पर उद्योगपतियों को ये बात नहीं कर सकते कि कानून से हटके आप इनको वेजेस दे दो। हमारा इलाका, और मैं आपकी बात को ही, माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, देखो उद्योग लगाना सबसे अच्छी चीज़ है, उद्योग के बिना कोई काम हो नहीं सकता, उन्नति हो नहीं सकती। पर मैं माननीय, मैंने उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया उजड़ते भी देखे हैं, नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया उजड़ा, धारवाड़ा का हरियाणा में उजड़ा, हमारे यहाँ का अलवर उजड़ा। उसका कारण क्या है कि उद्योगपतियों को हम सारी सुविधा देते हैं, उनको बिजली में भी छूट देते हैं, उनको ज़मीन में भी छूट देते हैं, उनको लोन भी देते हैं, उनको घर बैठे सारी सुविधा देते हैं। उद्योग लगाना एक बहुत बड़ी सरकार की जिम्मेवारी, पर साथ साथ जो लोग वहाँ लोकल रहते हैं, अगर हम सबको मिलके ये आपस के अंदर किसी को क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, अगर इन उद्योगों को सही चलाना है तो आपको पता ही है, जो अपने आदिवासी इलाकों के अंदर जो नई नई पार्टियां आ रही हैं उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि वहाँ आपने बड़े बड़े सेठों को माइंस तो दे दी, पर उन सेठों ने वहाँ जो लोकल लोग रह रहे थे उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, उनको रोजगार नहीं दिया, तो रिवल्ट उठा कि हमारे पहाड़ हमारी खान माल ले जा रही है, हमको क्या मिल रहा है? धूल। इसी तरह से उद्योग जरूरी है, पर उद्योगों को बचाने के लिए आपको मेरा निवेदन है,
कि जो वहां का नौजवान है मेरे यहां का नौजवान है, आपको इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, इनका इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। दिक्कत क्या आती है कि जो उद्योगपति आते हैं उनको हम सब कुछ देने के बाद वो लोकल जो नौजवान है उनसे अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। वो चाहते हैं कि जो यूपी का आएगा, बिहार का आएगा, बंगाल का आएगा, कहीं का भी आएगा, वो यहाँ दब के रहेगा। लोकल को अगर नौकरी देते हैं, जबकि टैलेंट में हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, तो मैं उद्योग मंत्री से कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर पाएंगे इसके अंदर। माननीय भजनलाल जी से भी निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी, कि आपने हर क्षेत्र में हर दिशा में रास्ते निकाले, पर इन उद्योगों को बचाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, ये भी बचे, हमारे गांव भी बचे, हमारे गांव के जो लोकल लोग उनको रोजगार भी मिले, और हमारे नौजवानों को, मेरी मांग तो है कम से कम नौजवान, जब आपकी हर क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, उनमें टैलेंट है, तो कम से कम 70% बच्चों को नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पता नहीं उद्योगपति तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर रिवोल्ट हो जाएगा, सारा माहौल खराब हो जाएगा, पूरे राजस्थान की मेहनत अपनी खराब हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है, अगर कानून बना सकते हो तो अपने लोकल बच्चों को नौकरी देने के लिए आप मजबूत कानून बनाइए, और कानून बनाने में कोई पॉलिसी में दिक्कत आती है तो उद्योग मंत्री जी स्वयं जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे काउंसलिंग करें कि भाई हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, हम हर तरह की गारंटी ले रहे हैं, यूनियन वूनियन अब कोई बनाता नहीं है, हम गारंटी ले रहे हैं, तो आप इनको काउंसलिंग करके कैसे न कैसे उनको भागीदारी दिलवाओ, और अधिक से अधिक नौजवान बच्चों को, लोकल जो नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरी दो, क्योंकि ये नहीं देने से आज तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में हालत बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे पूर्ववर्ती क्षेत्रों में हालत बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे इलाकों में भी ये हालात खड़े हो सकते हैं। गाँव के अंदर ट्रक है, उसको काम ना दे के बाहर का कोई आदमी आए, वो सस्ते भर लेगा, दे दिया उसको, सामान वहाँ मिल रहा है। अब गांव के चारों तरफ जो है वो देखते हैं, जापानी कंपनियों में हमारे सरकार चाहती थी कि जापानी कंपनियां स्थापित रहें, पर उनके अंदर कभी लाइट नहीं जाती, उनके अंदर कभी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं आती, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, सरकार का बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं कि जिससे कि विदेशी लोग हमारे यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट करें, पर उनसे किसी तरह काउंसलिंग करके जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए आप अधिक जोर दो, जिससे हम सब सुरक्षित रहें और हमारा वातावरण भी ठीक रहे और हमारे बच्चों को रोज़गार भी मिलता रहे, क्योंकि जैसा जहाँ पर है उसी हिसाब से। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो आप मुख्यमंत्री जी ने जहाँ घोषणाएँ की हैं कि एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए, ये सब डेवलप होंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत जो हर 24 कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सपोर्ट सेंटर होंगे, हर वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट मिलेगा, मार्केट मिलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, रोज़गार मिलेगा। और जो आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं जो माइक्रो लेवल पर MSME पॉलिसी 2024 जो आप ला रहे हो, ये अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की, ये मील का पत्थर साबित होगी, और इसके लिए क्लस्टर जो बनाए, क्या कर रहे हो आप, तो इधर देखिए सर, आप तो बोले, अरे सर उसको बढ़ा दिया आपने, जब बजट ही नहीं रखा, बढ़ावा ही नहीं दिया। पहला मुख्यमंत्री जिसने जो घोषणा की है उस पर बजट रखा है, आपके यहाँ तो जिले घोषित कर दिए, बजट नहीं घोषित किया। कोई भी चीज घोषणा की है उसके अंदर घोषणा कर दी, उसका बजट रखा नहीं। पहला मुख्यमंत्री जी है जिसने जो भी घोषणा की है उसके लिए बजट प्रावधान रखा है, बजट प्रावधान रखना ही उसको बोल करता है। और राजस्थान के लोगों को यकीन हो चुका है, इन्वेस्टर को भी यकीन हो चुका है कि भजनलाल जी के हाथों के अंदर राजस्थान सुरक्षित है। और आप देख लेना, जो 5 साल में आपके यहाँ इन्वेस्टर नहीं आया, वो इस बार की इन्वेस्टर्स समिट के अंदर यहाँ राजस्थान के उद्योगपति आएंगे और उद्योग लगाएंगे। अरे साहब आप विराजे माननीय सदस्य,
माननीय सदस्य वो मेरे हाथ में आप राजिए आप बोलना भी जब आपका नंबर आए तो बोलना आप। अब इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो लोग जाएंगे अपने माल के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए बजट रखा है 30 करोड़ रुपए, मदद करेंगे तो निश्चित रूप से बाहर विदेशों में उनका प्रोडक्ट बिकेगा। तो हर क्षेत्र के इन्होंने वो किया है, एमएसएमई के तहत 150 करोड़ रुपया का प्रावधान रखना, तो हर जगह बजट रखा है, थोती घोषणाएं नहीं की है। और आपके कार्यकाल में तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ, या सारे आप एक्सपर्ट बैठे हैं मेरे विपक्ष के लोग, वो ये बता दे कि आपके कार्यकाल में, माननीय मैं प्रतिपक्ष के नेता जी से पूछना चाहता हूँ कि अलवर जिले के अंदर ये मिनिस्ट्री भी रहे हैं जहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, घीलोट, नीमराणा, ये सब इन्हीं के इलाके में आता है, एक भी इन्वेस्टर नहीं आया, एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा। हाँ बताओ ना। नहीं, आप तो आपका नंबर है, आप बोलना तो बोलना, आप अभी आप दे दो। इसी तरह मांग संख्या 26 सवाल जवाब नहीं, अपनी जब बारी है। युवाओं के युवा मामले एवं खेल, हमारे खेल से तो आए हुए मान लिए मुख्यमंत्री जी कि फिर मैं तारीफ करूंगा, क्यों तारीफ करूंगा कि उन्होंने हर क्षेत्र में ध्यान दिया। माननीय सदस्य हमारे जो ये मंत्री जी बनाए ये भी खेल से आए हैं, इन्होंने भी देश का नाम किया है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल लिया है। तो मुख्यमंत्री जी जब धरातल से आए तो उन्होंने एक एक चीज सोच समझ के की है। और जो खेलों में आपके टाइम में हालत थी ना, अब आप देखना 5 साल में अपने आप में राजस्थान आगे बढ़ जाएगा। जिस तरह चाइना हर मेडल लेके जाता था, इसी तरह राजस्थान अब हर जगह मेडल ही लेगा। बैठे माननीय सदस्य, इन्होंने ना सत्यानाश कर दिया। आप राजे एक बात आप देखिए, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप समाप्त करें साहब। सर अभी तो कहाँ बोलना शुरू हुआ है, ओपनर हूँ। 30 मिनट हो गए आपको, अभी तो मैं असली सब्जेक्ट पे आया ही नहीं हूँ। ये 30 मिनट हो चुके आपको साहब, क्या पैसेंजर में चलते हो आप? देखो मुख्यमंत्री जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी कि नौजवानों को हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि हमारा देश का नौजवान होना चाहिए, बहादुर हो, स्पष्टवादी हो, साहसी हो, आकांक्षी हो, और साफ दिल वाले युवाओं से ही प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा इसी तर्ज पर। और वो नौजवानों के आइकॉन है स्वामी विवेकानंद जी। इसी तर्ज पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नौजवानों के लिए कोशिश किए काम करने के लिए, जो वो चाहते हैं, घोषणा की 70,000 बच्चों को नौकरी देंगे, 6 महीने में 20,000 को दे दी। विराजय साहब दी तो इन्होंने, श्री अशोक चांदना सर मुझे पूरा तो बोलने दो। हो गया साहब आप? नहीं नहीं, आपने कितनी देर बुलवाया है? 30 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय,